रुक्मावती को जहां शादी करके दी, जब बहुत पैसा वाला था पति, लेकिन समय पाया और चक्र खाया। आटा बेचने जाता है तो जोर से तूफान आता है, आटा क्या हो गया? नमक बेचने जाता है, जोर से बरसात आता है, नमक क्या हो गया? कोई भी काम करने जाए, काम में विजय हो तो अहंकार मत करना कि मेरा मेहनत है, क्योंकि मेहनत तो दुनिया में बहुत लोग करते हैं, हर एक व्यक्ति मेहनत में सफल नहीं हो पाता है। जब काम अच्छा हो, जरूर ईश्वर की कृपा मुझ पर हुई है, ये जरूर विश्वास रखा करो जीवन में, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। क्या होगा? कल्याण होगा गुरुदेव। रुक्मावती का पति विभिन्न प्रकार से मेहनत करें, हर जगह घाटा खाएं। पहले बहुत बड़ा महल बेचना पड़ा, हाथी घोड़े पालकी सब बेचनी पड़ी, और धीरे धीरे झोपड़े में आना पड़ा, वहां बर्तन जो थे वो भी बेचने पड़े, छोटे छोटे बच्चे और गर्भिणी भी है, रुक्मावती गर्भिणी भी है और बच्चे दो छोटे छोटे हैं। पति का हर जगह अपमान हो रहा है, उसी गांव में उनका साला ऋषभदत्त नगर सेठ हो, उसी जगह पर ये कंगाल हो तो कोई रहना पसंद करेगा? उधर देखो कोई भी जाते, अरे कैसे सेठ की बहन, ये दरिद्र औरत है, देखो इसके तकदीर, ऐसे फटे कपड़े पहन रही है, छी, ऐसे लोग बहुत रोती है। कभी कभी हम हमारे लिए नहीं रोते, दुनिया की देखा देखी करके रोते हैं। खुद के लिए रोओगे तो रोना बहुत कम हो जाएगा, आपका आधा रोना तो पड़ोसी के पास ये है मेरे पास वो नहीं है, पड़ोसी के पास ये है मेरे पास वो नहीं है, पड़ोसी के पास ये है मेरे पास वो नहीं, आधा रोना तो ये है। आपके लिए तो चाहिए दो रोटी न कर, वो तो है ही है, लेकिन दुनिया का देखा देखी में पूरा संसार रो रहा है, दुनिया का रोना है। रुक्मावती का पति कहता है, क्या रुक्मावती दो बच्चे हैं, अब इनको बराबर सब्जी भी नहीं खिला पा रहे हैं, पटोलिया करके पिलाते हैं। क्या करके? पटोलिया यानी क्या? गेहूं के आटे को गर्म करके पिलाना पानी में, पानी में हम पटोलिया बोलते हैं, पंजाब में क्या बोलते हैं गेहूं? राब, राब बोलते हो, राब लेमटा, लेमटा बोलते हो, राब बोलते हो, पटालिया बोलते हो, कई भाषा होगी, लेकिन गेहूं के आटे को पानी में अच्छे गोल देना और उसको गर्म करके नमक डाल के पिलाना, रोज इन बच्चों को यही मिलता है। बच्चे कहते माँ कभी तो अच्छी चीज खिला दिया कर, क्योंकि छोटे बच्चों को क्या गरीबी और अमीरी का पता चले, वो तो दुनिया देख के आते हैं कि उधर दुकान में जलेबी मिल रही है, इधर इमरती मिल रही है, इधर बालूशाही मिल रही है, मम्मी दिला दो ना, माँ माँ दिला दो ना, बेटा पैसा नहीं, हम गरीब है बेटा। अरे गरीब क्या होता है, देखो अपने पड़ोसी रामू की माँ दिला रही है, गरीबी क्या होता है, मुझे भी दिलाओ। अच्छे से बैठ बेटा, तेरे बाप को भी बेटा, तू भी बैठ, ये संतों के सामने पैर लंबा कर ले, उससे ज्यादा अब क्या है। हाँ सुबह से ही पूजा में ही वो बच्चा ऐसे बैठे ने, ऐसे हनुमान जी रूप लेके आए हो, तभी समझा कि हनुमान जी रूप लेके आए हो, पैर लंबा करें। कभी बेटा नीचे बैठने का रोज 10 मिनट आदत करिए, तभी आपके शरीर में ऊर्जा आएगी। मैं रोज कहता हूं कि जमीन से स्पर्श करके बैठने का थोड़ा तो भी 5 मिनट आदत होना चाहिए, जाते समय तो हमको कोई ना कोई चेयर में ले ही जाएगा, अभी से काई लिया, अभी तो आराम से नीचे बैठे, फिर तो आप नहीं बोलो तो भी लकड़ी के ढेर पर ऊपर ही बैठाने वाले, नीचे थोड़ी बैठने वाले हो, थोड़ा नीचे बैठ के धरती का स्पर्श का आनंद लो, क्योंकि इसमें जितनी ऊर्जा है तीनों लोकों में किसी में नहीं है। 5 मिनट बैठ नहीं पाए आज के लोग, ऐसे पैर लंबा करें, ऐसे करें, ऐसे करें जैसे सर्कस में आए हो। हाँ कुछ भी हो जाए स्थिर बैठो, क्योंकि जब आप स्थिर हो जाओगे संपत्ति को खींचने, सुख को खींचने की ताकत तुम में आ जाएगी। आजकल देखो लोग, आप देखो कई लोग बिना काम बैठे बैठे पैर हिलाते ही रहते हैं, आपने देखा होगा पैर ऐसे, अभी मैं बताऊं तो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे हिलाते ही रहते हैं, देखा ना, इनके पास पैसा नहीं दिखेगा। आप जितना हिलते हो इतना नुकसान करते हो, जितना स्थिर होते हो उतने समृद्ध होते हो, यह विज्ञान का रहस्य है।
बिना काम ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें सर्कस करते बैठे, हम हमारे जीवन की शैली समझे नहीं, खाली पैसा है हमारे पास ढेर भर के। अब रुक्मावती को पति कहता है, देख तेरा भाई यहां अरबोपति है, बहुत बड़ा पैसा वाला है, उसके पूरी तारीफ होती है गलियों में, और वहीं लोग हमको थूकते हैं, देखो कैसा इसका बहनोई है, देखो कैसा भिखारी, ऐसे बोलते हैं। मुझे तू अनुमति दे कि मैं विदेश जाके इस साल भर में कुछ कमा के आ जाऊं, यहां तो मैंने हर प्रकार का हथकंडा आजमा लिया लेकिन मैं कमा नहीं पा रहा हूं, शायद इस देश में हमारा कोई नसीब नहीं लिखा होगा, मैं विदेश जाऊं दो कमा के आ जाऊं, फिर मैं भी दो पैसा वाला रहूंगा, तू भी अच्छा पहन सकेगी अच्छा खा सकेगी, कब तक ये आटे का गोल पिलाएंगे। तुम्हारा पति ऐसा कहता भाई जाऊं मैं बाहर जाऊं कमाऊं, तुम क्या बोलोगी बहनों, बोलो तेरी शादी हो गई, शादी हो गई, जाओ जाओ बोलोगी तुम, यही तो है आज की औरतों का, यही तो, जा भाई तू कहीं भी जा पैसा लावे तो बस दो नोट लेके आ जा कहीं, मैं तो आराम से रहूंगी, तू कहीं भी जा मेरा मोबाइल और बराबर टाइम पर उसको चार्जिंग करते रहना, बाकी तो कोई लेना देना नहीं। हाँ सत्य से ध्यान रखो, आपके पति से क्या मिला ये सोचो, अभी पूर्ण स्त्री नहीं हो, आपको पति मिला ये सोचो तो आप पूर्ण स्त्री हो, आप ये ध्यान रखो। पूर्ण स्त्री पति से क्या मिला ये नहीं सोचती, पति को ही सब कुछ सोचती है, वही पूर्ण स्त्री है, मेरा पति है मेरे लिए सब कुछ। आजकल तो वेडिंग डे में अभी पेपर में पढ़ा कि भाई डाइवर्स हो गया, क्या हो गया कारण, डाइवर्स हो गया पेपर में आया, क्या डाइवर्स हुआ, वेडिंग डे में मोबाइल मांगा दिलाया नहीं इसलिए डाइवर्स। हाँ पति चाहिए कि मोबाइल चाहिए बहनों, बोलो कौन चाहिए, हंसती है सब बहनें हंसती है, अभी होशियार हो गई बहनें, पति भी चाहिए मोबाइल भी चाहिए, दोनों नहीं छोड़े। हाँ रुक्मावती रोती है, क्या करती है रोती है, पटोलिया पी के रह जाएंगे नाथ, क्या बोलती है पटोलिया पी के रह जाएंगे, आप में कोई नहीं रहोगी पटोलिया पी के, जा कहीं भी जाके कैसे भी कमा के ला, कमा के लाना है तुझे, ऐसे बोलोगी कि पटोलिया पी के बैठोगी। सतियों की बात मैं कह रहा हूं, उस जमाने की युगों की बात है, कथा क्यों सुनना, उस जमाने में जीवन कैसा था ये हम इन कथाओं से समझ सकते हैं, अगर थोड़ा भी एक अंश उससे लग गया हमारे जीवन में तो ये जीवन हमारा तिर जाएगा, यही कथाओं का सार है। वो बच्ची कह रही है भाई मत जाओ मत जाइए, आप जो भी मिले यही रही, अरे बच्चे पटोलिया पी पी के तंग आ रहे हैं, कभी जलेबी मांगते हैं कभी बालूशाही मांगते हैं कभी मालपुआ मांगते हैं, कहां से लाएं, और यहाँ इज्जत भी नहीं है मुझे जाने दे। वो ना कहती है ना ये जाने का जिद करता, ये दोनों के हुआ पो जिद्दी में पति जबरदस्ती कह के निकल गया कि मुझे जाना है, मैं कमा के आऊंगा दो साल में आ जाऊंगा, कितने साल में, दो साल में, दो साल में आ जाऊंगा। ओ निकलने के बाद रुक्मावती की परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो दो रुपया मजदूरी करके जो लाता था वो भी खत्म हो गया, अब आदमी नहीं है तो कहां की मजदूरी, अब जो कुछ था सब गया, शरीर में फटा कपड़ा हो गया, झोपड़ा भी छिंद बिंद हो गया, ऐसा झोपड़ा जो ऊपर से फटा हुआ सूर्य रोशनी डायरेक्ट झोपड़े में आए, बरसात आए, ऐसी जगह में रह के एक बड़ी सेठ की बेटी, बहुत बड़े पैसे, ध्यान रखो आप जीवन में प्रार्थना करो कि आपका अंत समय सुखद हो, आरंभ सुखद हो, सुखद नहीं है उल्टा, जो बचपन में अच्छे से पैसा देख लिए बुढ़ापे में गरीबी देखते हैं ना वो खुद के जीवन को कोस कोस के मरते हैं। अगर भरी जवानी में मेहनत करना पड़े ना तो कोसना मत, भगवान को बोना और भी मेहनत दे दे, क्योंकि अभी मेरे शरीर में शक्ति है। जब प्राण तन से निकले
तेरे नाम मुख से निकले। अरे भाई तू पूरी जिंदगी राम राम करते रहा, क्या फायदा? जब प्राण निकलेगा तब डॉक्टर ने मुंह में मास्क डाल दिया हो, नलियां डाल दी हो, नीचे भूंगला डाल दिया हो, फिर तुझे ही तेरा शुद्ध नहीं हो और बेहोश पड़ा हो, तो जिंदगी भर का राम राम क्या फायदे का? अंत में जैसी मति वैसी होगी गति। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। इसलिए प्रभु को बोलना कि अगर हाथ पकड़ने आज नहीं आए कोई बात नहीं, मैं इबादत नहीं छोड़ूंगी, मैं पूजा नहीं छोड़ूंगी कि मेरे महाराज नहीं आ रहे हैं। तुम कहां गए कृष्ण कन्हैया, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? मुझे विश्वास है कि इस पूजा का फल देने तुम अंत समय में भी आओगे, मेरा पूजा का फल मिलेगा। जय जय गुरुदेव। जब प्राण तन से निकले, तेरो नाम मुख से निकले, प्रभु चरण की हो छाया, मन में न हो ये माया, भक्ति से शराब और काया, तब प्राण तन से निकले। प्रार्थना करो तो ये करो कि आज बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, सब दे दो, लेकिन मरते समय दिमाग ठिकाने रहे तेरे चरण में, किधर रहे? ऐसी दशा हो भगवन जब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तेरा नाम मुख से निकले, तेरा नाम मुख से निकले। बोलो श्री पद्मा मात की। पति चले गया, पटोलिया तो पीना और मुश्किल हो गया, खाना पीना हराम हो गया, रुक्मावती को परेशानी बढ़ गई। क्या हुआ? परेशानी बढ़ गई। भिकारिनों में कोई बदतर भिकारिन का हालत हो गया उसके जीवन में। उसी गांव में कौन रहता है, कौन रहता है, उसका नाम क्या है? क्या बेटा? ऋषभ दत्त। ऋषभ दत्त बैठ के भोजन कर रहा है, सोने की थाली लगी महाराज। क्या लगी है? सोने की थाली। सोने की थाली में सोने की कटोरी होगी, अभी सोने की थाली में चांदी की कटोरी होपेगी? नहीं गुरु, हाँ नहीं। मखमल के टाट पर पेंदे अच्छे लगते हैं कि सोने की थाली में चांदी की कटोरी अच्छी लगती है? अब सोने की थाली लगी है तो नीचे चांदी का पाटा लगा हुआ है, सोने के कटोरी लगी हुई है, बढ़िया रोटी सब्जी घी दार व्यंजन परोस रहे हैं, पत्नी पंखा झेलते हुए कह रही है, सुनो जी आप नगर सेठ हो, आपके पास कितना पैसा है इसको मैं जानूं, आप जानो कि हमारे पास कितना पैसा है, दुनिया नहीं जाने तब तक क्या मजा है महाराज। पैसा अपने लिए चाहिए तो कितना चाहिए आप ही बताइए, अपने लिए चाहिए तो कितना चाहिए, और दिखाने के लिए चाहिए तो फिर उसका कोई हद ही नहीं है, कितना भी दिखाओ। तो हाथ जोड़ के कहे महाराज आपके पास जो पैसा ये दिखना चाहिए, नहीं तो इसका क्या मजा है। तो पति कहता है तो क्या करूं, प्याऊ बना दूं गांव में, कुआं खुदवा दूं, धर्मशाला बनवा दूं, मंदिर बनवा दूं? अरे इससे तो अपना पैसा वेस्ट होगा। पत्नी कहती है धर्म का काम क्यों करना, पापी को धर्म का काम करने मन नहीं करेगा भले ही पैसा हो। अगर आपका पैसा धर्म में लग रहा है, कथा में लग रहा है, अच्छे काम में लग रहा है, पुण्य में लग रहा है, तो समझना आप धर्मात्मा हो, तभी लगेगा। जय जय गुरुदेव। पापियों के पैसे अच्छे काम में नहीं लगेंगे, पापियों के पैसे लेने के लिए भगवान ने अलग लोग नियुक्त किए हैं, पुलिस ले जाएगा, वकील ले जाएगा, डॉक्टर ले जाएगा, कोर्ट ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, समझना कोई पाप है इसको धोने के लिए भजन करें जीवन। पाप का पैसा पुलिस में, पुण्य का पैसा अच्छे काम में। सत्य वचन गुरुदेव। तो अब ये देखो महाराज, पति कहता धर्मशाला बनाऊं, कुआं बनाऊं, प्याऊ बनाऊं,
पत्नी कहते इससे तो भला होगा लोगों का, अपना नाम नहीं होगा, अपना नाम हो ऐसे कुछ करो। तो फिर क्या करें, पास में साला खड़ा है ऋषभ दत्त का, वो कहता है महाराज जीमन रखो जीमन, भोजन गांव वालों को बुलाओ खिलाओ, खर्चा कम होगा लेकिन अपना ठाट पाट देख के दुनिया समझ जाएगी कि सेठ बड़े पैसे वाले हैं, खूब नाम होगा, खाने में जगह जगह के लोग बुलाओ बनाने, खूब खिलाओ लोगों को, खाया हुआ भूल नहीं पाएगा, खाएगा और आपका गुणगान करेगा। सेठ को जच गई बात, हाँ बिल्कुल बढ़िया है, एक काम करो गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिन के लिए भोजन की तैयारी करो। कितने दिन के लिए? तीन दिन के लिए। पूरे कृष्णगिरी के आसपास के नगर के गांव के लोगों को पूर्ण रूप से आमंत्रित करो, सब हर एक के लिए डंडोरा पिटवाओ के तीन दिन का भोजन यहीं करें, अपने अतिथियों को भी ले आए और वृद्ध लोगों के लिए यहाँ से पार्सल ले जाएं, खाना टिफिन ले जाएं, सब लोगों को खाना यहीं पड़ेगा। तैयारियां शुरू होने लगी, गांव में तोरण बंधने लगे, गुलाब जल से रास्ते साफ होने लगे, ऋषभ दत्त का घर सजने लगा, बाहर से जगह जगह से रसोई आने लगे, बीकानेर से सेव भुजिया बनाने वाले आ रहे हैं, ब्यावर से फीनी बनाने वाले आ रहे हैं, तमिलनाडु के चेन्नई से इडली डोसा बनाने वाले, बेंगलुरु से उसके मद्दूर वड़ा बनाने वाले आ रहे हैं, गुजरात से खम्मन थेपला ये सब बनाने वाले रसोइये गुजरात से आ रहे हैं, कश्मीरी रोटी रुमाली रोटी बनाने के लिए कश्मीर से रसोइये आ रहे हैं, कलकत्ता से संदेश और रसोगुल्ला बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, जगह जगह के रसोइये हजारों रसोइये। कितने? हजारों गुरुदेव। तो खाने वाले? लाखों। गांव में डंडोरा पिटवाया जा रहा है। सुनो सुनो नगरवासियों, सेठ ऋषभ दत्त के घर में कल गुरुवार शुक्रवार शनिवार तीन दिन के लिए समस्त नगर के नगरवासी आसपास के सभी लोगों के लिए भोजन का आमंत्रण है, आप भी भरपेट आओ, आपके घर के वृद्ध बुजुर्गों के लिए भी खाना ले जाओ, कोई अतिथि आपके घर में बहन बेटी दूसरे परिवार वाले आए हैं उनको भी साथ लाएं, तीन दिन तक किसी का भी चूल्हा ना जले और सबके सब यही भोजन करें, ऐसा आपसे निवेदन कर रहे हैं ऋषभ दत्त से। आइए, सब जगह डंडोरा पिट गया, जहां जहां डंडोरा पीटा उनके घर के सामने उनको ये आमंत्रण समझाया गया। पहले ही ऋषभ दत्त की पत्नी ने कह दिया था कि रुक्मावती के घर के सामने डंडोरा मत पीटना, उसको बुलाना मत, ये गंदी गरीब हमारे घर में आएगी तो लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये सेठ की सगी बहन है, हमारा इज्जत जाए, क्या होगा? इज्जत जाएगा। तो बेइज्जती करने के लिए हमको साथ इसको लेके आना नहीं है। उसके घर में डंडोरा नहीं पीटा गया, लेकिन देखिए छोटे बच्चों ने सुन, तीसरा भी बच्चा हो गया क्योंकि वो गर्भ हुआ था ना गया, उसके 7-8 साल हो गए इस बात के, सबसे गर्भ में था वो बच्चा ही 7-8 साल का हो गया, दूसरा बच्चा 10 साल का 12 साल का, वो सब सुन रहे हैं कि मामा जी के घर में भोजन होने वाला है। माँ के पास जाके कहते हैं माँ मामा जी के घर में बहुत बड़ा भोजन हो रहा, हम चलेंगे ना माँ? माँ कहती है बिन बुलाए कहीं नहीं जाना है बेटा, वो सगा भाई हो या कोई भी हो, जहां आमंत्रण हो वहीं जाना, क्योंकि जिस दिन मेरे पिता ने मुझे शादी करके दे दिया उसी दिन मैं पराई हो गई थी, अब उस घर में मेरा काम नहीं है, वहां तो बुलावा आए तो ही जाना है। आजकल आपको हाथ जोड़ के, आज के जो जवान माता पिताएं हैं जिनकी जवान लड़कियां हैं उनको हाथ जोड़ के, तू चिंता मत करना बेटे, तेरे को अगर ससुराल में तकलीफ आ जाए तो तू यहाँ आ जाना, हम संभाल लेंगे, ये शब्द कभी जीवन में मत बोलना, क्योंकि आप संभाल सकोगे लेकिन पति बन के तो उसके ससुराल में जो आदमी है वही संभाल सकेगा, आप नहीं संभाल सकोगे। आप ज्यादा उसको जो हिम्मत देते हो वही हिम्मत से आजकल बेटियां घर आ जाती है कि भाई मेरे माँ बाप है मुझे कोई चिंता नहीं है। माँ बाप हजार हो
लेकिन उस बच्ची का जो विवाह जीवन है उसमें सुख कोई माँ बाप दे सकते हैं? इसलिए माँ बापों को अपनी बच्ची का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसको इतने संस्कारी और श्रेष्ठ बनाएं कि भगवान करें उसका ससुराल भी श्रेष्ठ मिले और वो सुखी रहे, उसी में ध्यान देना चाहिए। उसको छोड़ के दूसरे प्रपंच में जाना नहीं माँ बापों को। आजकल बहुत ज्यादा बच्चों पर प्यार जो देने लगे, बच्चियों को काम करना ही बहुत बड़ा एक बोझ लगने लगा, सब पढ़ने लगे, ऑफिस जाने लगे, फिर दोनों झगड़ रहे हैं। आदमी को काम करना चाहिए और स्त्री को पूरे घर को स्वर्ग की तरह संभालना चाहिए। अगर जिस घर में ये हो रहा वो घर ही स्वर्ग है, मैं तो ये कह सकता हूं। सत्य वचन मेरे गुरुदेव। अब माँ कह रही है जाना नहीं है बेटा, बुलावा नहीं आया। बच्चे कह रहे हैं माँ उधर देखो कैसे संदेश आ रहे हैं, केरल से अप्पम बनाने वाला आया है, आंध्र से कोंगरा चटनी बनाने वाला आया है, मैसूर से मद्दूर बड़ा बनाने वाला आया है, तंजावूर से कोलुकट्टा बनाने वाला आया है, ब्यावर से फीनी बनाने वाला आया, पाली से पापड़ बनाने वाला आया है, जोधपुर से जलेबी बनाने वाला आया है। माँ ये सब कब खाएंगे, पटोलिया खाई हुई जीव है, कुछ खिला दो। माँ के नहीं बेटा नहीं जाएंगे। अब देखो बच्चों के पास भी अस्त्र शस्त्र होते हैं। बच्चे कह रहे हैं माँ अगर तू नहीं ले जाएगी तो फिर हम खाना यहाँ नहीं खाएंगे, जिद्दी करने लगे। फिर रुक्मावती ने सोचा चलो भाई का घर है, नहीं बुलाया तो क्या, सब खाने जा रहे हैं, हम भी एक कोने में बैठ के खा लेंगे। अगले दिन भोजन शुरू हुआ, बड़े लोगों की झुंड जा रही है, जगह जगह केले के झाड़ लगे हैं, आम के पत्तों के तोरण लगे हैं, शहनाई बज रही है, जगह जगह सुंदर वाद्य बज रहे हैं, पूरा गांव कोई महोत्सव की तरह सजा है, हजारों रसोइये रसोई बनाने के लिए बहुत बड़ा पंडाल लगा है और सबके लिए चांदी की थाली लाखों सजी हुई है, कोई भी आए सब चांदी की थाली में खाए। कोई खाया हुआ उठ के जा रहा है, क्या खाना रे भाई आज तक नहीं खाया, पेट मल रहा है। कोई कह रहा भगवान और थोड़ा जगह दे देते, दो मालपुआ और ले लेता, क्या आपकी कंजूसी मेरा पेट क्यों छोटा कर दिया। तरह तरह की बातें करते लोग जा रहे हैं। इसी समय बच्चों को लेके कौन पहुंच गई, कौन पहुंच गई बहनों? रुक्मावती। पद्मावती, पद्मावती पहुंच गई। हाँ अच्छे जोर से बोलो, रुक्मावती। रुक्मावती पहुंची तो एक कोने में बैठ गई, क्यों कहीं कुछ अनहोनी ना हो, जहां बुलाया नहीं उधर जा गए हैं इसलिए कोने में बैठी। लेकिन उधर ऋषभ दत्त सबको पूछने आ रहा, क्योंकि उसने ये किया ही किस लिए है, बताने के लिए किया, अपना धन दौलत का शौर्य दिखाने के लिए किया, छोड़ेगा क्या? इसलिए सब हाथों में अंगूठियां पहना हुआ है। क्या पहना है? अंगूठियां। हीरा। क्या पहना? हीरा। इधर हीरा पहनना, इधर पन्ना, छोटे में पन्ना पहनना। क्या पहनना? पन्ना। बीच में नीलम। क्या पहना है? नीलम। पुकराज, माणिक, अंगूठे में माणिक, मोती, प्रवाल, बैडूर्य, गोमेद, सभी रत्न अंगूठे में पहने, बड़े बड़े अंगूठियां। लोग खाना खा रहे हैं, उधर जाके वो नमस्कार करता है सबको। क्या करता है? नमस्कार करता। आप लोग कैसे नमस्कार करते हो, करके बताओ। हाँ तो वो ऐसे नहीं कर रहा, ऐसे करने से अंगूठी थोड़ी दिखेगी महाराज, तो वो ऐसे करता है, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, भोजन ठीक है, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको, मेरा नमस्कार, नमस्कार। कभी कोई आदमी ज्यादा ही नमस्कार करे तो समझना कि ये दिखावा कर रहा है, असली नमस्कार तो इतने में ही हो जाता है, ये भारी नमस्कार है जो ऐसे ऐसे करते जाए, ऐसे कर रहा है। हाँ नमस्कार। लोग देखे वाह सेठ वाह, क्या खाना बनाया,
केसरिया बर्फी कला कंदर बड़ी बेटा इमरती बालू साई लाडू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला मोती पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पाड़ा घेवर न्यारा न्यारा दाल मोट पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ चिबड़ो बड़ी राबड़ी साग सांगरी को बाजरी को खिचड़ो रायता में जीरा को तड़को पीवो मार सबड़ को आम अमरूद अंगूर अनानस पनस नेना अरदरिया केला सेब पपीता चीकू संतरा ने मौसम्बी रसदार दरिया काकड़िया ने लाल मतीरा खर्चो माकर कीरा बादाम पिस्ता ने नोजा कुरुमानी खोपरा ने चुमारा लेवो जीम छूट ने आचमन करने थोड़ो सो आराम लेवो सौंपी इलायची हाजिर कर दी साग मिश्री तोड़ो ना करियो पान चबाओ जीमो भोग लगाओ छप्पन भोग बना के रखा इतना छप्पन भोग बना के रखे हुए हैं खाने वाला खावे ने तो जिसमें देखो उसी में घी उसी में केसर उसी में इलायची रोटी में भी केसर डाल के वो सुना हुआ है आटा किसमें रोटी में केसरिया रोटी कभी सुना केसरिया रोटी नहीं गुरुदेव केसरिया रोटी दाल में देखो तो पिस्ता डाले हुए हैं क्या डाले हैं पिस्ता गुरुदेव खाने वाला भगवान को कोसता है भगवान आज मेरा पेट छोटा पड़ गया भगवान आज मेरे पेट को थोड़ा बड़ा कर देते थोड़ा आनंद बढ़ जाता दो तीन लोग वापस आ रहे हैं उनको उनके परिचित पूछ रहे अरे कहाँ वापस आ रहे अभी तो खा के गए अरे वो निकाल दिया हमने उंगली डाल के अब वापस खाएंगे मजा नहीं छोड़ेंगे हम निकाल दिए हैं इसको ऐसे खा तो इसने मेरी शब्दत की आंख अपनी बहन पर पड़ गई किस पर पड़ गई बहन पर पड़ गई देखते ही आंख लाल हो गया क्योंकि साथ में पत्नी है पत्नी बताती है देखो ये आ गई तुम्हारी बहन जरूर इज्जत निकालने आई होगी वरना इसको आने की क्या जरूरत है कोई इज्जत निकालना होगा इसलिए आई हो तो पति का आंख लाल हो गया एकदम गर्म हो गया उठ चल यहां से बिन बुलाया आई क्यों जब तुझे बुलाया नहीं है तो यहां आने की हिम्मत कैसे की आगे से यहां पैर मत रखना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है आंख में पानी आ गई रोती रोती निकल गई बच्चे भी निकल गए डर के मारे आवाज सुन के बच्चे झोपड़े में आके बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमने पूरा खाया भी नहीं और ये मामा आके पूरा रंग में भंग डाल दिया कैसे हो गया ये तो वो कहती है कल से आप तुम लोग गुपचुप बैठना अब मामा के घर का नाम मत लेना बच्चे कहते हैं हम तो जाएंगे भले ही वो डांटे फटकारे तेरे ये पटोलिया के पीछे तो उम्र निकल गए हमारे अब तो कल जाके एक बार हम मालपुआ ठोक के ही आएंगे जाके देखेंगे माँ कहती है अब नहीं जाना मैं मारूंगी तुम लोगों को अगर कोई गए हम तो क्या तुझे भी ले जाएंगे हम तो तुझे भी ले जाके बैठाएंगे नहीं बेटा जहाँ इज्जत नहीं वहां नहीं जाया जाता हम गरीब हैं तो क्या गरीब में गरीबी जरूर है इज्जत तो उसकी भी है वो कहाँ छोड़ेंगे कहाँ छोड़ेंगे महाराज बच्चे बोल रहे माँ तुझे हमारी कसम है कल अगर तू हमारे साथ नहीं चली हम तीनों कुएं में कूद के मर जाएंगे अब तुम लोग बच्चे बोले कि हम कुएं में कूद के मर जाएंगे तो तुम क्या करोगी बहनों बोलो उनकी जिद्दी पूरी करनी पड़ेगी बच्चों के पास कई टेक्निक है कई बातें हैं जो हमको बनाते उन्होंने सोगन ले ली कि हम कुएं में मर जाएंगे माँ सोचती है कि कुछ नहीं है तो क्या ये तीन रत्न तो हैं मेरे अगर ये भी चले गए तो बचेंगे क्या मेरे पास दरिद्र के पास इनके लिए तो मुझे जाना पड़ेगा अगले दिन बड़ा ही शुक्रवार का दिन है पहले दिन गुरुवार को भोजन शुरू हुआ था तो दूसरा दिन कौन सा होगा महाराज वही आज का दिन है देखो कितना पावन दिन है उस शुक्रवार के दिन ये जाके उधर वापस बैठती है एकदम कोने में अंधेरे में बैठती है कि भाई अब अंधेरे में बैठ जाऊं क्योंकि देखेगा तो बड़ा ही घबराएगा फिर खूब चिल्लाएगा तो एक अंधेरे में बैठती है बहुत घबरा के एक तरफ बैठती है लेकिन कितना भी बैठो पहले ही मन में ठान के रखा है कि आज आ सकती है शायद आएगी तो आज मैं हड्डी पसली एक करके भेजूंगा पहले से ही सोच के रखा हुआ है और ढूंढते ही आ रहा है सबको नमस्कार भी कर रहा है कैसे नमस्कार करता है बताओ आप लोग सीख लिए ना करो ये गांव में ऐसे मत करना जाके फिर लोग बोलेंगे कि मरा जाके इनको यही सिखाए हैं कि ऐसे नमस्कार करो ये सब मत करना आप तो ऐसे ही नमस्कार ऐसे किया कैसे करना हाँ लेकिन कभी आपके घर में शादी ब्याह हो तो एक दिन बड़ी अंगूठियां पहन के ऐसे कर लिया करो जाओ छूट दे दिया एक दिन ऐसे करो
ऐसे ऐसे करते आ रहा है, किस पर नजर पड़ गया, किस पर नजर पड़ गया? रूपा बहन बेटी है, बच्चे तभी खीर पी रहे हैं, खीर की बाट ली है हाथ में, पहली बार जिंदगी में बादाम केसर इलायची डाले हुए चावल की दाना मोतियों की तरह खीर में चमक रहे हैं। वो बादाम का खीर पहली बार मुंह में इतने गर्म है, बच्चे लोभ नहीं छोड़ पा रहे, गरम गरम खीर मुंह में डाल रहे हैं। पैर से लेकर के ऋषभ दत्त ने खीर को और मुंह को लात मारा जोर से, बच्चे एक तरफ गिरे और लोग देखते रह गए। रुक्मावती का बाल पकड़ के खींचा उसके भाई ने और उठा करके, अरे रांड काई लिए या आई जब तुझे मैंने मना किया, इधर पैर रखने की हिम्मत कैसे की? लोगों के सामने अपना बल बताने के लिए अपने पैर से जोर से ऐसे रीढ़ की पीठ पर मारा कि भाई पचाड़ खा के गिर गई और रीढ़ की हड्डी टूट गई उसकी, भाई रेंगती पड़ी हो गई। बच्चे जोर जोर से डर के मारे रोए, माँ के मुंह से खून निकले। रुक्मावती सोचे कि 8 साल पहले गया हुआ पति आया नहीं, वो जो कमाने गया उसने तो कुछ नहीं कमाया, मेरा भाग्य भी मुझसे रूठ गया, मेरा तकदीर भी मेरे हाथ से छूट गया, अब मैं जिंदी रह के क्या करूं, इस कृष्णगिरी के कुएं में जाके पड़ के मर जाऊं, अभी मरूं तो मुझे शांति मिलेगी। बच्चे रेंगते 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 बच्चे तीनों कृष्णगिरी की पद्मावती का मंदिर कैसे बना आज वो इतिहास सुनोगे तो आपको लगेगा कि तीनों लोकों में सभी पीठों में दिव्य पीठ ये कृष्णगिरी का शक्ति पीठ, मैं भी जाके एक दिन दर्शन करूंगा, आप में भाव आ जाएगा, आपका जीवन धन्य बन जाएगा कि ऐसा है ये तीर्थ। रुक्मावती बड़ी रोती रोती खिसकती, क्योंकि अब तो रीढ़ की हड्डी टूट गई महाराज, अब पैदल कैसे जाए, रेंगती रेंगती सांपों की तरह जाने का उसके तकदीर में आज बुरा दिन आया। ऐसे रेंगती रेंगती जा रही है, बच्चे साथ साथ रोते रोते धीरे धीरे जाए। आज शुक्रवार है पद्मावती का वार है, सच्चे मन से जो भी जाए उसका बेड़ा पार है, आज शुक्रवार है पद्मावती का वार है, सच्चे मन से जो भी जाए उसका बेड़ा पार है, शुक्रवार है। हाथ ऊपर सबके हाथ, सभी का हाथ ऊपर, जरा ताली के साथ, चम 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 पायल बजाती देखो मैया आवे हो, देखो मैया आवे हो, गुण 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 घुंघरू बजाती देखो मैया आए हो, देखो मैया आवे हो, हाथों में कमल है पांवों में पायल है, जम 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 घुंघरू बजाती देखो मैया आवे हो, आज शुक्रवार है बेड़ा पार है, पार है। अभी रुक्मावती गांव के कुएं में गिर के मरूंगी, ये बच्चे क्या मरे, ये क्या मुझे धमकी दे, आज मैं ही बच्चों के साथ मर के प्राण खत्म कर दूंगी, अब जी के क्या करूंगी, अब ये जीवन में क्या पड़ा है, जिस जीवन में ना पति है ना धन है ना सुख है ना इज्जत है ना कोई हमारे जीवन में राहत है, अब इस जीवन को क्या करूंगी, मर जाऊंगी मैं। कुएं की तरफ गई, रेंगती रेंगती कुएं में गिरने ही वाली थी, उस समय कृष्णगिरी के माँ की शुक्रवार की पूजा करने वाली 5 बहनों ने इसको देखा कुएं में पड़ने कोई जा रही है, उन्होंने इसको पकड़ा के, बहन क्या कर रही है, अरे छोड़ो मुझे, मुझे मरना है, पकड़ा क्यों तुमने, छोड़ो मेरे बच्चों को भी छोड़ो, हम चारों मरेंगे, अरे क्यों मरे, क्यों मरे, अरे मैं ऋषभ दत्त की बहन हूं, ऋषभ दत्त की नगर सेठ की बहन, ऐसी फटी कपड़े पहन के ऐसे दरिद्र रूप में तुम
अरे मैं मेरे पति के कंगाल होने से दुखी होके ये जीवन जी रही हूँ। खाने गई थी मेरे भाई के घर में, उसने मेरे रीढ़ की हड्डी तोड़ के लोगों के सामने अपना अपमानित कर दिया, मेरा ये जीवन बर्बाद हो गया, मुझे मरने दो। अरे मरेगी क्या तू? बार बार मरेगी? मरने वाले सब एक बार मरते हैं। होशियार वो होते हैं जो मौत को भी महोत्सव बना देते हैं। मौत को मौत बनाए वो इंसान, मौत को बेमौत बनाए वो शैतान, बेमौत को महोत्सव बना दे वो देवता बन जाता है। तू क्या मौत करने जा रही है? मेरा नाम मालती है, मैं भी तेरे जैसे ही एक दिन मरने जा रही थी। मेरे पति ने सट्टे में करोड़ों रुपया कमा दिया था और बर्बाद हो गए लोग, गले दबाने आ गए, मैं बेइज्जत हो गई, मरने जा रही थी। किसी ने मुझे कृष्णगिरी वाली की शुक्रवार व्रत कथा करना कहा। पांच व्रत की ना अपने आप किसी का सहयोग मिला, सहायता मिला और मेरे घर में उजाला हो गया। मैंने पद्मावती की पूजा करके जीवन में धन्यवान पा लिया। और देखो ये शीला है, इसके पति को ऐसा रोग हो गया था, डॉक्टर ने 2 महीने में मौत की तारीख दे दी थी। ये सोची क्या वो मर जाएगा तो मेरी जिंदगी क्या होगी। 8 हफ्ते का डॉक्टरों ने अवकाश दिया मरने का और इसको किसी ने 5 हफ्ते शुक्रवार करने की, किसी ने राख किया कि कृष्णगिरी वाली पद्मावती का 5 हफ्ते शुक्रवार करो। 4 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ, चमत्कार हुआ, वो जो मरने के कगार पर था वो अपने आप ठीक हो गया, न उठ के चलने लगा। अब हम सब इकट्ठे होकर के हर हफ्ते शुक्रवार में एक समय भोजन करके माँ का भजन करके व्रत करते हैं। कृष्णगिरी वाली के चरण में जा, अगर वो ठान ली तो 8 साल से जो डूबा हुआ है तेरा जीवन बिना पति का, शायद वो जीवन खिल जाए। मरना तो एक दिन है बहन, लेकिन ये मौत को बेमौत करेगी तो भूत प्रेत बन के भटकती फिरेगी, तेरी आत्मा भी भटकेगी, इन बच्चों की आत्मा भी भटकेगी। आत्मा भटकाने वाला आत्महत्या पाप है बहन, इसको छोड़, तू जा माँ के दरबार में। इन बहनों की बात को सुन के उसने सोचा, अगर व्रत करके देवी को रिझाने जाऊं कितना दिन लगेगा, यहाँ क्या मरना, माँ के चरण में निवेदन करके देख लूं। उधर से धीरे धीरे रेंगते रेंगते, कभी पद्मावती के मंदिर गई नहीं थी, बहनों बोले कि तू जी कृष्णगिरी में रहती है और कभी माँ का दरबार नहीं देखी। ध्यान रखना, दुखी व्यक्ति इसलिए दुखी होता है, उनको अपने जीवन में सहाय करने वाली दैविक शक्तियों की कृपा का विश्वास नहीं होता है, और सुखी व्यक्ति इसलिए सुखी होता है, वो अपनी मेहनत से ज्यादा देवताओं की कृपा पर भरोसा रखता है। रेंगते रेंगते कृष्णगिरी के उस दरबार की ओर जा रही है, दूर से देख रही है, वो शिखर दिख रहा है जहां ध्वजा फरक रही है, जहां अंदर मां का दरबार लगा हुआ है। दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहां, एक किकरवाड़ा रूपा में रहने वाली हमारी सुनीता बहन कहती है कि 20 साल से एक मंदिर मुझे दिख रहा है। कितने साल से? हर ज्योतिर्लिंग गई, हर शक्तिपीठ गई ढूंढने के, वही मंदिर है क्या, और मंदिर है, हर दिन वो मंदिर हर हफ्ते दिखता है। मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई कि वो मंदिर कहाँ है, और एक दिन कृष्णगिरी आई और दर्शन की, वो शिखर देखते ही समझ गई कि ये वही मंदिर है जिसको 20 साल से मैं देख रहा हूं। दरबार हजारों है दरबार का, जो मिलता प्यार यहाँ, जो मिलता प्यार यहाँ, ऐसा मिलता प्यार हाथ ऊपर। दरबार हजारों है ऐसा दरबार का, दरबार कहा।
अंदर धीरे धीरे रेंगती हुई माँ के दरबार में जा रही है। जिनके सिर पर सात फणा आदिशेष स्वयं फण धर कर बैठे हो, जिनके तीन आंखों में से सूर्य चंद्र और अग्नि पूरी धरती को प्रकाश मान करते हो, भगवती के चरण में पड़ के जोर जोर के रख रोते रोते सिर फोड़ के कहती है, मुझा बागिन को तारो माँ, मुझा बागिन को तारो, आपके चरण में आई हूँ, अब यहीं सिर फोड़ूंगी, यहीं चरण में अपना प्राण दूंगी। सिर फोड़ के जोर जोर से रोने लगी, खून टपकने लगा, सिर से खून टपकने लगा। जैसे जैसे बेहोश होने लगी, भगवती का आसन कंपायमान होने लगा। एक क्षण में जगदम्बा प्रतिमा से प्रकट होकर के, प्रत्यक्ष होकर के रुक्मावती के सामने खड़ी हुई। अरे अबागिन, कृष्णगिरी में रही जिंदगी भर एक बार भी मेरे दर्शन किया, कभी मेरी व्रत की, तू नालायक है, इसलिए संसार में दरिद्र बन के भटक रही थी, फिर भी मैं वो पद्मावती हूँ, दुनिया को बताने के लिए तेरे सामने आई हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवता भाग्यशालियों का साथ देते हैं, भजन करने वालों का साथ देते हैं। मैं कृष्णगिरी वाली पद्मावती हूँ, जिसने एक बार भी मेरा व्रत या दर्शन नहीं किया हो उनको भी शुभ फल देती हूँ, ये बताने के लिए तेरे सामने आई हूँ। दुनिया को ये बताने के लिए तेरे सामने आई हूं कि मुझे याद नहीं करे उधर भी मैं पहुंचूंगी। मेरा ये ताकत दुनिया देखनी चाहिए, आज मैं तुझे वरदान देती हूं, जा। जिस भाई ने पैसे की घमंड से तुझे धक्का मार के भगाया, तेरा आज से जो झोपड़ा है वो 70,000 कमरे वाला महल बनेगा। इस महल में तेरे लाखों नौकर चाकर जो नागलोक से मेरे द्वारा भेजे गए हैं वो सेवा करेंगे। सभी कमरे हीरे पन्ने से भरे होंगे, तुझे जितना खर्चा करना, दान पुण्य अच्छे काम में करना। तेरा शरीर मेरे दर्शन से अब ठीक हो गया, तेरी रीढ़ की हड्डी भी ठीक हो गई, तेरे बेटे भी सेठों की तरह मौज लोंगे और तेरा पति भी जल्दी ही वापस आएगा। हर प्रकार से तेरे जीवन में उजाला उजाला होगा। मैं कृष्णगिरी वाली जो भी मुझे याद करते हैं घर बैठ के, उन करोड़ों लोगों के, भारत ही नहीं ब्रह्मांड के सभी लोगों का भला करूंगी। मेरा काम है विश्व का मंगल करना, मैं सबका मंगल करूंगी। देवी के हाथ ऊंचे करते ही गंदा शरीर, सुंदर शरीर, रति जैसा पवित्र सुंदरमय तेजस्वी शरीर बना। बच्चे जो गंदे कपड़े पहने थे अपने आप गले में सोने का चैन, टोपी, धोती, कुर्ता सब बच्चों में आ गए। जो गंदा शरीर था वो रूपवान शरीर बन गया, इस देश की रानी से भी अति सौंदर्यवती बन गई रुक्मावती। शरीर में गहने चमक रहे हैं, बाजू बंद किया, गले में नेकलेस किया, बोरली गडली क्या, कान में कुंडल क्या, कमर में कमर पट क्या, सोने के पायल बिछुड़िया क्या, रुक्मावती को देखो तो देवलोक की उर्वशी शर्माए ऐसे रूपवान। हाथ जोड़ करके रुक्मावती माँ को नमन करे। ओम जय जय जगदानंद दागिनी, जय जय धरणीन्द्र वल्लभे, शुभगे देवी फणत्रयधारिणी, त्वं जय पद्मानमे पद्मे विजया जया जिता, त्वं अपराजिता शिवा गौरीरम्बा, त्वं वैरोग्या प्रज्ञप्ती भद्रकालीं च कालीं च महाकाली, शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मीर्दुतिमति भुवनेश्वरी देवी, त्वामम्बिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुरसुन्दरी जननी, त्वं भगवती भवानी मातङ्गी राजमातङ्गी, त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्ति, त्वं हिङ्गुला च हिङ्गोली, त्वं भगवादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी च ज्वालामुखी बहुबाला पीठा शाकम्भरी च त्वमनन्ता शीतला दोतला भद्रा वज्रा कूष्माण्डी चक्रधरा चामुण्डी महामाया गायत्री विश्वविख्याता
सुत देवी जिनबाणिम विद्या वर्धमानस्य नाग कुमार कुमारी देवी कुंडलिनी मधुमती चरिंकारी आई माई च दुर्गा मा भोगी चानंदकरी त्वं वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमरले समारूढा त्वं चैकाक्षरनामा अक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी माता पंचदशाक्षर गर्भिता त्वं भुवनत्रयस्य सौख्यकरीं त्रिजगन्नाथशरीरा जनजाट्य विवञ्चना सेवक वाञ्छित फलदा पद्मधरा बाष्परी सेव्या श्री पार्श्वनाथ पद पंकज भक्तिलीना प्रभर कुर्कुट सर्पज्ञाना धारित्र्य रिपुवर्ग विनाशनोक्ता श्री पद्मावती भवतु मे कलुषा प्रसन्ना। अपने स्वरूप को रुक्मावती देखती है, कहां मेरा काला कलूटा गंदा शरीर और कहां गुलाब की फूल की तरह चमकता ये शरीर। तू सोने के छतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना, तू सोने के छतरों वाली है तेरे द्वार का मैया क्या कहना, जो गोद बिठा कर दिया हमें, जो गोद बिठा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना, उस प्यार का मैया क्या कहना, तेरा द्वार का मैया क्या कहना, तेरे द्वार का मैया क्या कहना, तेरा प्यार का मैया क्या कहना, तेरे द्वार का मैया। बिना फालतू मत गाओ, जो गोद बिठा कर दिया हमें, जो गोद बिठा कर दिया हमें, उस प्यार का मैया क्या कहना, तू सोने के खतरों वाली है तेरा द्वार का मैया क्या कहना, हाथ ऊपर करे माता, तुझको तन मन धन सब अर्पण है, अर्पण है माता, तुझको तन मन धन सब अर्पण है, अर्पण है मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है, मेरा क्या सब तेरा तुझे समर्पण है, तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया, तेरे नाम का झंडा दिल में रोप दिया, जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया, जीवन अपना मैंने तुझको सौंप दिया, पद्मावती मेरी मैया तू ही है कि मैया, तू ही है कि मैया मेरी पार कर दे नैया, पद्मावती मातेश्वरी पार करो बेड़ा पार करो बेड़ा पार करो। चंचल मछलियों जैसी आंखों से कृपा की जब बरसात करती है, जैसे शरद चंद्र की पूर्णिमा से 16 किरणें निकलती हो, ऐसे आशीर्वाद की बरसात करने वाली अपने मंद मुस्कान से भक्तों के पतझड़ जैसे जीवन में वसंत बहार लाने वाली, अपनी नतनी में जड़े हुए हीरे की उजाले से भटके हुए लोगों को मार्ग दिखाने वाली, अपने कुंडल के छलकते आवाज से हर व्यक्ति के हृदय में शांतवना देने वाली, अपने पर्वत जैसे स्तनों को दिखा करके दुष्टों का मर्दन करने वाली, अपने पैरों के स्वर्ण पायल के आवाज से भीत युक्त भय युक्त त्रस्त लोगों को शरण देने वाली, अपने एक हाथ को उठाने मात्र से सूर्य को प्रकाश, चंद्र को शीतलता, समुद्र को लहरें फेंकने की ताकत, नदियों को बहने की ताकत, पंछियों में उड़ने की ताकत, मनुष्यों में बोलने की ताकत, चराचर जीव राशियों में जीने का प्राण भरने वाली,
अपने कमर बंद के धारण मात्र से दुनिया को बंधित करने वाली, अपने बाजू बंद की शक्ति से शत्रुओं को समाप्त करने वाली, अपनी चूड़ियों के घनकाट से सुहागिनों की सुहाग को बढ़ाने वाली, अपने काजल बिंदिया के रूप से हर प्रकार के सौंदर्य को भक्तों को देने वाली, अपने मांग भरे सिंदूर का दर्शन करा के बीमार पतियों की बीमारी को दूर करने वाली, अपने एक आंख के कटाक्ष से शत्रुओं के मुंह से खून निकलवाने वाली, अपने अट्टहास से सभी प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र क्रियाओं का नाश करने वाली, अपने मुकुट में जड़े हुए रत्नों से भूलोक भुवरलोक सूलोक अतल वितल सुतल पाताल रसातल महातल आदि सत्तलोकों में ऊर्जा डालने वाली, अपने गुलाब की पांखुड़ियों जैसे होठों से वरदान दे दें तो हजारों करोड़ जन्मों तक सुखी हो जाएं वो भक्त, ऐसे दिव्य आशीर्वाद देने वाली, अपनी मोतियों जैसी दंत पक्तियों का अगर किसी को दर्शन करा दे वो तिर्यंश भी देव बन जाए, ऐसी शक्ति देने वाली, शंख जैसे कंठ वाली, डमरू जैसे कमर वाली, केले के झाड़ जैसे पैर वाली, कछुबे की उंगलियों जैसी नख वाली, अपनी मुख की तेज से ऊर्वशी रंबा तिलोत्तमा मेनका आदि समस्त अप्सरा स्त्रियों को रूप देने वाली, अपने बाजू के बल से एक अंश निकाल के अर्जुन को वीर बनाने वाली, राम को पुरुषोत्तम बनाने वाली, हनुमान को पराक्रम देने वाली, और अपने ही हाथ के भुज बल से समस्त ब्रह्मांड को अपनी भुजा में लटका करके घूमने वाली कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ, भगवती जगत जननी रुक्मावती को आशीर्वाद दे रही है। रुक्मावती कंगाल थी, एक क्षण में रानी बन गई, शरीर पूरा गहने से लदा है, रूप सुंदर बच्चे सुंदर, माँ को कोटि कोटि नमन करती है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मिलती न मुझको अगर दाद दे तो क्या था जमाने में औकात मेरी। थोड़ा आवाज बढ़ाना भाई, भाई संतों का प्राण निकल जाए तू शांत नहीं होगा। तू ही ने तो सब कुछ मुझको दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तूने मेरी मैया दी सब कुछ दिया है, तूने मेरी मैया दी सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शब्द है, एक अक्षर है माँ, इन संसार के लाखों अक्षर जाना हुआ पंडित जो सुख नहीं पाता है, ये एक अक्षर जाने वाला सबसे ज्यादा सुख पाता है, ये अक्षर है माँ। और पंडित विद्वान करोड़ों अक्षर जान के करोड़ों प्रकार से बोलते हैं, उनको जो सुख नहीं मिलता ये एक अक्षर को अच्छे से बोल दें भक्ति से, उसको वो सभी सुख मिलता है, वो अक्षर है माँ। ऐसी माँ उसके चरण में पड़ के कृष्णगिरी वाली को नमन के, कृष्णगिरी वाली पद्मावती माड़ी, ओ माड़ी, ओ माड़ी थारा दर्शन आनंद था, ओ माड़ी थारा दर्शन आनंद था, कृष्णगिरी वाली पद्मावती माड़ी, कृष्णगिरी वाली पद्मावती माड़ी, ओ माड़ी तारा दर्शन आनंद आए, ओ माड़ी तारा दर्शन आनंद आए।
रुक्मावती माणी। माँ दर्शन दी रुक्मावती धन्य हो गई। वहां से बाहर निकल के देखती है तो बाहर 30,000 रथ खड़े हैं। कितने रथ? 30। कितने? 30,000। सब सोने के रथ, सब में देवता खड़े हैं। देवता कौन खड़े हैं? देवता। किसके सेवा में? एक दरिद्र औरत जो अभी आशीर्वाद ली है, उस रुक्मावती की सेवा में 30,000 देवता खड़े हैं सेवा करने के लिए। रथ में इसको धीरे से बैठाएं। क्या आप धीरे से बैठिए, माँ का आदेश है, हम आपके सेवा में हैं। जब तक आपका जीवन है हम यहाँ सेवा में रह के फिर देवलोक जाएंगे, आपकी सेवा में रहेंगे। रथ में बैठे रुक्मावती, उसका रथ में बैठते समय पैर ना दुखे हैं, इसलिए रथ के अंदर गुलाब के पुष्प बिछाए हुए हैं। बैठते जगह कहीं पैर ना दुखे, जो आज तक गलियों में पड़ी थी भिखारियों की तरह। जैसे ही घर के पास उतरती है तो देखती है कि झोपड़ा सात खंडा महल बना, हर खंड में 10,000 कमरे हैं, हर कमरा हीरे पन्ने से भरा है। इससे बड़ा है हीरे पन्ने से। अभी इसको अंदर जाना, अब अंदर पूरे हीरे पन्ने भरे हो तो अंदर जाएं कैसे? तो देवता कहे मालकिन क्या करें, अरे थोड़ा बाहर फेंको, इनको खाली करो, मुझे अंदर जाना है। तो उठा के बाहर फेंकने लगे। अब चारों तरफ रोड में हीरे पन्ने फेंकोगे तो क्या होगा महाराज? बड़े बड़े गांव के सेठों को मालूम पड़ा कि यहाँ हीरा पन्ना फेंका जा रहा है। सेठ सब भिखारियों की तरह, जिसको भिखारिन बना के घुमा रहे थे वो सब सेठ उधर भिखारियों की तरह वो हीरा पन्ना लपेटने के लिए वहां भीड़ कर रहे हैं, जैसे कौओं की भीड़ चावल के पीछे पड़ती है। ऐसे चारों तरफ अंदर पांचवी मंजिल पर गई, क्योंकि पांच नंबर किसका है? पद्मावती माँ का पांच नंबर है। पांचवी मंजिल में 55,555 नंबर के कमरे में जा रही है। क्या नंबर है? 5,555। 5,000 नहीं बेटा, 55,555। कितना? 55,000। हाँ, 70,000 कमरे। तेरा घर नहीं है कि चार कमरे? 70,000 कमरे में 55,555 नंबर कमरे में जाएं। अंदर जाते ही धीरे से सात सहेलियां उसको बैठा रही है पलंग पर, और एक औरत गुलाब जल को 7 बार सफेद मखमल के कपड़े में छान के उसमें इलायची का पाउडर, लवंग का पाउडर वगैरह डाल के गला खराब ना हो जाए, एक काम वाली जो देवी है देवलोक की, वो धीरे से इसका मुंह खुलवा रही है, दूसरा मुंह में पानी डाल रही है, तीसरा धीरे धीरे गला सहला रही है कि रुक्मावती के गले में पानी उतरे आराम से, कोई तकलीफ ना पड़े। कल तक रोटी का तकलीफ आपको भी रहा होगा, लेकिन एक बार श्रद्धा से कृष्णगिरी वाली की मान लोगे, नौकर चाकर तुम्हारे भी ऐसे आएंगे कि मुंह खोलने का तुमको नौबत नहीं आएगा, वो खिलाएंगे तुम्हारे। जय जय गुरुदेव। ऐसे मौज कर रही है और ये समाचार वहां पहुंच गया। कहां बताओ, कहां पहुंच गया? भाई के पास। कहां पहुंच गया? कहां पहुंच गया? भाई के। भाभी रुक्मावती की भाभी कह रही है, अरे नणंद बहुत पैसा वाली हो गई, सुन रहे हैं कि विक्रम राजा इसके सामने भीख मांग रहा है, 70,000 कमरों में हीरे पन्ने भरे हैं, कल शनिवार के प्रोग्राम में ये गेस्ट बन के हमारे घर आना चाहिए। कौन आना चाहिए? तब आए मजा। इतनी बड़ी पैसे वाली ऋषभ दत्त की बहन है, अगर कोई सुन भी ले तो कितना मजा आए। जाओ जाओ इसको निमंत्रण दे के आइए। वो कहता है कल, अभी तो आज रीढ़ की हड्डी तोड़ी थी, अब मैं जाऊं मेरी रीढ़ की हड्डी ये तोड़ देगी, मैं तो अकेले तोड़ा, इसको तो अभी कितने ही लाखों सेवक आ गए, ऐसे तोड़ेंगे मेरे के मैं जा नहीं सकती। अरे मैं जानती हूँ बहन का दिल, भाई भले कैसे हो जाए बहन तो सदा उसके रिश्ते की इज्जत करेगी, मैं जरूर जानती हूँ। तुम जाओ देखो क्या होता है, कच्चे धागे से बंदी आएगी तुम्हारी बहन, उस रिश्ते का नाम है प्रेम भाई का, तुम जाके प्रेम से बात करो आ जाएगी। फूलों का तारों का सबका कहना है, हंसते हंसते गीत गाते जा रहा है ऋषभ दत्त, 1,000 में मेरी बहना है,
भी मैं कभी कभी गाना सुनूं तो इतनी हंसी आवे, कोई बहन कहे भाई कहे किसी बहन को, सारी उम्र हमें संग रहना है। अगर तू भाई के संग रहेगी तो शादी करके पति को पाएगी कि कमारी उसके संग बैठी रहेगी। कभी सोचे ही नहीं लोग के कई भाई के संग बैठे रहेंगे, हम तो पति के संग आनंद करेंगे। हाँ, गलत गाना है। फिर भी पहुंच गया ऋषभ दत्त, बाहर बड़ी बड़ी देवियां ऐसे हाथ में बाला लेके खड़ी, नागलोक की देवियां। नागलोक की देवियों में उग्रता बड़ी होती है, नागों का स्वभाव क्या है, फूंकारना। ए कौन है, किस लिए आया? अरे मैं रुक्मावती का भाई आया हूँ। अरे तेरे जैसे कई दरिद्र सुबह से आए, मैं भाई हूँ बहनों बोल के। यहाँ ये इतनी बड़ी सेठानी है कि हर दरिद्र को भाई लगे बहन लगे इसको, चल यहाँ से। अरे मैं असली भाई आया हूँ, मुझे बोलो तो सही कि मैं रुक्मावती का भाई ऋषभ दत्त आया हूँ, जो बोलो तो सही, जाके बोलो मैं भाई आया हूँ। आज का दिन उसका देखिए, इसीलिए आपको कहा कि आज आपको कोई दुख हो तो उस दुख से अपने आप को छोटा मानने की कभी जीवन में कोशिश मत करिए। जब कृष्णगिरी वाली की नजर आप पर पड़ेगी तो आप भी रुक्मावती की तरह मोच करोगे, आपका जीवन भी चमकेगा। अंदर जाके ये कह रही है सेविका, सुनिए सेठानी जी, कोई आया है भिखारी टाइप का आदमी, आपका भाई बोलता है, क्या नाम है? ऋषभ दत्त। अरे मेरा भाई है, ले आओ उसको, प्रेम से ले आओ, अंदर आवे स्वागत करें बेटा। इसको शर्म आवे कि सुबह तो धक्का मार के रीढ़ हड्डी तोड़ी, अब किस मुंह से बात करूं। बहन ने मुंह खोल के उससे बातें करने, भैया कैसे हो, ठीक हो, सब अच्छा, जैसे कुछ नहीं जानती हो ऐसे बोल रही थी। भाई भी सोचा चलो आपने क्या लोहा गर्म है, हथौड़ा मारो इसमें बराबर। कल हमारे घर में शनिवार का भोजन है बहन, हमने सोचा है कि अभी विक्रम राजा को क्या चीफ गेस्ट बनाए, तुम्हारे सामने वो भिखारी टाइप का आदमी है, तुम आ जाओ कल हमारे घर में चीफ गेस्ट बन के, हम तुमको मुख्य अतिथि बनाना चाहते हैं। मुख्य अतिथि क्या भैया, मैं तो आपकी बहन हूँ और कल मैं बहन बन के ही आऊंगी, मुख्य अतिथि बन के नहीं, बहन बन के ही आऊंगी। अच्छा बहन तुम नहीं आओगी, मैं सोचा बहुत बड़ी पैसा वाली हो गई, हमने सुना कि तुम्हारा पानी भी 7 बार छंटता है फिर तुम पीती हो, हमने सुना कि जिस बादाम का हलवे को तुम खाते हो वो बादाम को यहाँ से 8,000 किलोमीटर दूर से अरब देश से मंगाया जाता है, तुम कहाँ हमारे यहाँ होगी, ऐसे सोचा। तुम तो बहुत सरल हो, धन्य है बहन, हम बचपन में कैसे राखी बांधते थे, कैसे बर्फी खाते थे, तुझे सब याद होगा। बहन मन में सोचती है सुबह तूने कैसे धक्का मारा वो भी मुझे याद है, मैं तेरे घर आती हूँ वहां बताऊंगी तुझे सब क्या बताना, चल भाई आके बताती हूँ। अब दिन आया शनिवार का, क्या दिन आया? शनिवार का। क्या दिन आया? शनिवार। जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, 56 भोग बनाया सुंदर आनंद तो ले लो जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार जी, जीमो सरकार। सब लोग बैठ के खा रहे हैं, कोई इडली बड़ा सांभर के साथ खा के तृप्त हो रहा है, कोई पंजाबी आइटम ले रहा है, कोई गुजराती, कोई राजस्थानी, कोई अपने मन पसंद की, सब खा रहे। रुक्मावती का रथ निकल के वहां से रवाना हो गया है, 14,000 रथों में बीच में 5,555 में रथ में वो बैठी है, बाकी 14,000 रथों में 2-2 नागलोक की देवियां बैठ के उसके स्वागत में आ रही है। और जैसे ही अंदर पहुंची स्वयं भाभी खड़ी है आज स्वागत में, कौन? ऋषभ दत्त की पत्नी, ननंद भाई आ गए, ननंद भाई आ गए। कौन आ गए? ननंद भाई। क्यों ननंद नाम रखा? मैंने बहुत सोचा फिर मालूम पड़ा जिसके आने से ना आवे आनंद वो है ननंद। हाँ, जिसके आने से अपने को ना आवे आनंद वो कौन है, इसलिए उसका नाम ननंद रख दिया। अबे ननंद आवे, ननंद आवे, चावर ढोल रही है सोने की, ननंद भाई आओ, ननंद भाई आओ। अंदर आते पूरे रस्ते में गुलाब के फूल बिछाए हैं, सोने के पाट में बैठा है, सोने की थाली लगी और खाना खाए। रुक्मावती को बोले भाई गरम गरम खीर है, थोड़ा ठंडा कर दूं क्या, थोड़ा बाटी तोड़ दूं क्या, बाटी तोड़ के चूरी करूं क्या, रोटी का कौवा करूं क्या। रुक्मावती ने अंगूठी खोली, क्या खोला? खीर में डाल। अंगूठी खोल के किस में डाला? खीर में।
चूड़ियां खोली मालपुए पर रख दिया, किधर रख दिया? मालपुए पे। गहने खोले रोटी पर रख दी, बोरला खोला सब्जी में डाल दिया। भाई आश्चर्य में पड़ा कि ये क्या कर रही है, पागल है क्या? पूरा खाना खराब कर रही है ना, गहने खराब कर रही है। बहन अगर गर्मी बहुत लग रही है तो गहना ही सोने की थाली में रख दे, इसमें क्यों डाल रही है? गर्मी क्या लगेगी भैया, जो जिंदगी भर गर्मी को ही सहन करके बैठी हो, जो आज तक जिसने दरिद्रता को पा करके दुखी जीवन जिया, उसको आज क्या एक दिन में नशा छड़ जाएगा पैसे का? मुझे इतना नशा नहीं छड़ा जितना तुझे छड़ा है। मैं तो वही रुक्मावती जो कल तक थी, बुलाना होता तो कल ही बुला देता, कम से कम आज सुबह भी बुला देता। आज सुबह रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले को दोपहर तक इतना प्यार कैसे उमड़ गया? मैंने अच्छे से सोचा कि इतना प्यार कैसे आया होगा, फिर मालूम पड़ा ये प्यार मेरे ऊपर नहीं, मेरे पैसे के ऊपर आए हैं तुझे, इसलिए मैं मेरे पैसे को खिला रही हूँ, तेरा खाना मैं नहीं खाऊंगी। मेरा खाना होता तो कल ही बुलाता, मेरे पैसे को तूने खाने बुलाया, इसलिए मेरे अंगूठी खाएगी तेरे खीर, मेरी चूड़ियां खाएगी तेरे मालपुआ। सुनते ही गलती महसूस हो गई, ऋषभ दत्त को कान पकड़ लिया, बहन बड़ी गलती हुई, पैसे के मद में चूर हो गया और गलती कर दी, माफ कर दो बहन, माफ कर दो। उसके आंख में पानी आते ही रुक्मावती समझ गई सच्ची में इसका दिल पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया, सुधर गया है। बहन बोले, भैया तू तो बड़े मेहनत से कमाया, मैं जिंदगी भर दुखी रही, देखो माँ की कृपा बरसी, एक ही दोपहर के एक क्षण में राजा से भी बड़ी रानी हो गई हूँ, ये कृष्णगिरी वाली पद्मावती की कृपा मेरे ऊपर बरस गई। उसकी कृपा जिस पर बरसे ओ रोगी निरोगी हो जाए, ओ दुखी सुखी हो जाए, ओ दरिद्री समृद्ध हो जाए, ओ असक्त शक्तिमान हो जाए, वो भावहीन भाव भक्त हो जाए। भैया ओ भैया आना रे नालायक, बुला रहे दिख नहीं रहा है, फोटो ले बैठ। ये एक फोटो ऋषभ दत्त भैया बाहर काउंटर में मिल रहा है, तुम भी खरीद लो। इस मंदिर में मैं कभी गई नहीं थी, आज किसी ने बोला गई, आज तक मैंने व्रत नहीं किया, पूजा नहीं किया, कोई आराधना नहीं किया, खाली उसका दर्शन किया। माँ प्रसन्न होके बोली कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने बनाया है, ये धरती मैंने बनाई है, ये देवता मेरे बनाए हुए। ब्रांच ऑफिस में जाके क्या पैसे का ट्रांजैक्शन करता है, मैं रिजर्व बैंक हूँ मेरे पास आ रे बेटा। और जो भाग्यशाली इस माँ को पकड़ लिया, उसी समय उसका बेड़ा पार हो गया।